वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है जो फ्लैट मेंटेन करते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है और ये इसका हो गया फ्रंट एलिवेशन, जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन से लग रहा है। 190 स्क्वायर यार्ड प्लॉट साइज़ है और ये बेसिकली इसमें अपर ग्राउंड ही बचा हुआ, बाकी सारे सोल्ड आउट है। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। मूविंग ऑन टू दी, ये इसका रैम्प एरिया है, प्रॉपर इसमें काम करा गया है मार्बल का और पार्किंग में भी सारे में आपको फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है। मूविंग ऑन टू दी स्टिल्ट पार्किंग, ये पार्किंग एरिया जो कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इस तरफ सारा स्टोरेज टैंक है, 3 लीटर का स्टोरेज टैंक है, पर फ्लोर 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है। यहाँ पे वहाँ आपकी मोटर आ जाएगी फर्स्ट क्लास। यहाँ पे फेस चेंजर भी दिया हुआ है, सारे में टाइल्स का काम किया गया जो कि आप देख पा रहे होगे। और यहाँ पे लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है इस तरफ थोड़ा डिज़ाइन के लिए। और यहाँ पे फॉल सीलिंग का भी काम हुआ है जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन से। अगर बात करें फ्लोरिंग की, इसमें भी काम करा गया है आप मार्बल का। और ये पार्किंग हो गया, फर्स्ट क्लास डिज़ाइन है इसका। यहाँ पे जॉनसन की लिफ्ट आएगी, लिफ्ट लॉबी है ये भी आप देख लीजिए, स्टेयर केस यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट क्लास है ये, एक शाफ्ट ये दिया हुआ है। मूविंग ऑन टू दी फ्लोर एरिया, और इसमें ये आपका हो गया स्टेयर केस, एसएस के इसमें आपको रेलिंग मिल रही है, काम किया गया है मार्बल का फ्लोरिंग में। और लिफ्ट इसमें टॉप तक आएगी, टेरेस तक, फिफ्थ फ्लोर तक लिफ्ट आएगी जो कि आप देख सकते हो ये। और ये छत हो गया, ये एक शाफ्ट यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट क्लास। 1000 लीटर का सिंटेक्स आएगा, सिंटेक्स ब्रांड की इसमें को टैंक मिल रही है। फ्लोरिंग पे काम किया गया है टाइल्स का। और ये छत हो गया फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया, गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम व्लॉग्स। फ्रेंड्स आज मैं दिखाने वाला प्रॉपर्टी आपको, ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। 190 स्क्वायर प्लॉट साइज है, ये 1220 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है। ये जो फ्लैट एंट्री करते हुए वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है प्रॉपर्टी, ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। सामने जॉनसन की लिफ्ट आ रही जो कि आप देख पा रहे होगे, इसका लेआउट समझो क्या नहीं। ये इसका ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया है जो कि आप देख सकते हो, और काफ़ी बेहतरीन से इन्होंने काम करा हुआ है। सारे में इटालियन फ्लोरिंग का काम हुआ है जो कि आप देख पा रहे होगे। UPVC इसमें आपको सारे डोर्स आ रहे हैं, यहाँ पर इस तरफ सोफा आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगी टी पैनल। ये इसका किचन हो गया, फर्स्ट क्लास है किचन ये। और ये फर्स्ट बेडरूम है, ये सेकंड बेडरूम हो गया, अटैच वाशरूम नहीं कॉमन किया हुआ है। थर्ड बेडरूम राइट में हो गया और उससे अटैच वाशरूम है। ये इसका डोर का डिज़ाइन हो गया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, सामने जॉनसन की लिफ्ट आएगी जो कि आप देख सकते हो। ये इसका डोर का डिज़ाइन हो गया जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें काम किया हुआ है इटालियन फ्लोरिंग का मार्बल लगी हुई जो कि आप देख सकते हो। फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, इसका लुक्स को काफ़ी इनहेंस कर रहा है फ्रेंड्स ये। सामने POP वर्क भी हुआ हुआ है, यहाँ पे UPVC की साइड डोर्स आ रहा है, यहाँ पे TV आ जाएगी सर, AC का प्रोविजन भी दिया हुआ है। और मूविंग ऑन टू दी बैल्कनी, बैल्कनी आप देख लीजिए, फर्स्ट क्लास काम हुआ हुआ है बैल्कनी में। आयरन की इसमें रेलिंग आ रही है, यहाँ पे गैस आ जाएगा इस तरफ, AC की प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है, टाइल्स प्रॉपर सारे में लगी हुई है ऊपर तक। आउटलेट्स के सारे प्रोविजन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया आ गया, स्विच सारे ब्रांडेड यूज़ किया गया है। और ये किचन हो गया। फ्लोरिंग की बात करो फ्रेंड्स, तो इसमें काम किया गया है मार्बल का, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरफ फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है। सारे बॉक्सेस बने हुए हैं यहाँ पे, इस तरफ फ्रिज आ जाएगी, यहाँ स्टोरेज के लिए एम्पल स्पेस दिया हुआ है इसमें, यहाँ भी स्टोरेज के लिए दिया हुआ स्पेस। प्लेटफॉर्म पे पूरी काम की हुई, मार्बल की ग्रेनाइट लगी हुई है, ड्यूल सिंक के साथ ही मिल रहा है। यहाँ स्टोव चिमनी का पाइप बाहर से निकल जाएगा, नीचे भी स्टोरेज के लिए एम्पल स्पेस दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हो। और जैगवार के टाइप की फिटिंग से ड्यूल सिंक के साथ यहाँ पे UPVC की विंडो भी मिल रही है आपको। यहाँ पर फ्रिज का प्रोविजन दिया हुआ है, फ्लोरिंग मैंने बता दिया, काम आप देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन से काम हुआ हुआ है किचन का, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। मूविंग ऑन टू दी फर्स्ट सेकेंड बेडरूम, अगर बात करें उसकी फ्लोरिंग की, इसमें भी इटालियन फ्लोरिंग का काम हुआ हुआ है, इटालियन फ्लोरिंग लगी हुई है जो कि आप देख पा रहे होगे। फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, UPVC की इसमें आपको साइड डोर्स मिल रहे हैं,
एसी के लिए यहाँ प्रोविज़न दिया हुआ है। इस तरफ आपको यहाँ पे वार्डरोब भी मिल रहा है जो कि आप देख सकते हो। इससे अटैच ये डोर शट के सारे लॉक हैं ये, और यहाँ आप देख सकते हो फोल्डिंग में टाइल्स का काम किया गया है। फिटिंग जितने भी हैं सारे जैगुआर की फिटिंग्स हैं जो कि देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन से उन्होंने काम करा हुआ है इसमें। और ये फ्रंट बालकनी हो गई जो कि ड्राइंग रूम से और फर्स्ट बेडरूम से हो रहा है कनेक्ट। और किचन के सामने यहाँ पे डाइनिंग टेबल आ जाएगा, सोफा, ये ड्राइंग रूम हो गया, यहाँ डाइनिंग टेबल आ जाएगी आपकी। और अगर बात करें फ्लोरिंग की तो इसमें भी इटालियन फ्लोरिंग का काम किया हुआ, इस मार्बल लगी हुई है, फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है इसमें। यहाँ पे इस तरफ एसी का प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास आपकी डाइनिंग टेबल आ जाएगी, 8 सीटर 10 सीटर आप आराम से डाल सकते हो। यहाँ पे मंदिर का पॉइंट भी यहाँ बना सकते हो आप, ये सॉफ्ट एरिया आ गया। फॉल सीलिंग की बात करो फ्रेंड्स, इसमें भी वुडन फ्लोर आपको वुडन सीलिंग भी है जो कि आप देख सकते हो ये। और यहाँ पे सॉफ्ट एरिया, एसी का प्रोविजन भी यहाँ पे दिया हुआ है। मूविंग ऑन टू सेकंड बेडरूम, इसका सेकंड बेडरूम फ्लोरिंग की बात करो, इसमें भी टाइल फ्लोरिंग का काम किया गया है, फॉल सीलिंग इसमें हुई हुई है। इस तरफ यूपीवीसी की साइड डोर्स आ रहे हैं यहाँ पे, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे वार्डरोब बनी हुई है फर्स्ट क्लास। और ये पीछे की बालकनी होगी, पीछे की बालकनी है। और वॉशरूम जो है फ्रेंड्स ये कॉमन रहेगा, फिटिंग सारे जैगुआर की फिटिंग्स है। और ये आपका थर्ड बेडरूम हो गया। फ्लोरिंग की बात करूँ तो इसमें भी इटालियन फ्लोरिंग का काम हुआ हुआ है, मार्बल लगी हुई है, फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है इसमें जो कि आप देख सकते हो। एसी का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरफ वॉशरूम है, यहाँ पे वॉशरूम बनेगी, देख सकते हो आप ये। और ये बालकनी हो गया, पीछे की बालकनी है। तो ये इसका लेआउट है, अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब। डोर शट के सारे लॉक दिए हुए हैं इसमें, ब्रांडेड यूज़ किया गया है गाइस बायोटेक के। प्लीज़ चेक आउट दी डिस्क्रिप्शन फॉर प्राइस एंड ऑल, वहाँ मैं डाल दूंगा प्राइस क्या है, नहीं वहाँ से चेकआउट भी कर लेना। ओके गाइस बाय, टेक केयर।